हाय फ्रेंड्स, आप सभी का मेरे चैनल जयंता क्लासेस में स्वागत है। मैं हूं शिवम पांडे और आज के वीडियो में हम ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीजेज चैप्टर के नीट क्वेश्चन पे डिस्कस करने वाले हैं। तो टॉपिक वन है कॉमन डिजीजेज इन ह्यूमंस। फर्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज। करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, इनसेफालाइटिस। अगर मैं ऑप्शन पढ़ूंगा तो वीडियो लेंदी होगा, इसलिए दोस्तों प्लीज कोऑपरेट। ठीक है, मैं आपको करेक्ट आंसर यही बताऊंगा और लास्ट में वीडियो के सोल्यूशन आपको दिखा दूंगा। क्वेश्चन नंबर टू, द एक्टिव फॉर्म ऑफ एंटामीबा हिस्टोलाइटिका फीड्स अपॉन। करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, एरिथ्रोकाइट्स, म्यूकोसा एंड सब म्यूकोसा ऑफ कोलोन। क्वेश्चन नंबर थ्री, मैच इज डिजीज विथ इट्स करेक्ट टाइप ऑफ वैक्सीन। तो करेक्ट आंसर है यहाँ पे ऑप्शन बी, ठीक है, ट्यूबरकुलोसिस का फोर्थ है हार्मलेस बैक्टीरिया, हुपिंग कफ का थर्ड है किल्ड बैक्टीरिया, डिप्थीरिया का सेकेंड है इनएक्टिवेटेड टॉक्सिन एंड पोलियो का फर्स्ट है हार्मलेस वायरस। क्वेश्चन नंबर फोर, विच ऑफ द फॉलोइंग इंडो पैरासाइट्स ऑफ ह्यूमंस डज सो वीवी पैरिटी। करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, ट्राइकिनेला स्पिरेलिस। करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, 2015 में आया था क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर फाइव, विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीजेज इज कॉज्ड बाय अ प्रोटोजोन। करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, बेबी सियोसिस। करेक्ट आंसर ऑप्शन बी, 2015 में आया था क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर सिक्स, सेलेक्ट द रॉन्ग स्टेटमेंट्स। यहाँ पे चार स्टेटमेंट दिए गए हैं, इनमें से गलत कौन है? तो ऑप्शन डी रॉन्ग है, ठीक है, इस तो इस क्वेश्चन के हिसाब से सही वही है, द वायराइट्स वेयर डिस्कवर्ड बाई डीजे आइवानोवस्की। ठीक है, तो डीजे आइवानोवस्की ने वायराइट्स की खोज नहीं की थी, यही रॉन्ग स्टेटमेंट है। क्वेश्चन नंबर सेवन, अस्थमा में बी एट्रीब्यूटेड टू। करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, एलर्जिक रिएक्शन ऑफ द मार्स सेल इन द लंग्स। लंग्स के मार्स सेल में जो एलर्जिक रिएक्शन होता है उसे ही हम अस्थमा कहते हैं। क्वेश्चन नंबर एट, इन्फेक्शन ऑफ एस्केरिस यूजुअली अकर्स बाय। एस्केरिस का जो इन्फेक्शन होता है सामान्यतः किसके कारण होता है? करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, ड्रिंकिंग वाटर कंटेनिंग एग्स ऑफ एस्केरिस। हम जो पीने का पानी पीते हैं जब उसमें एस्केरिस के एग्स होते हैं तो हमें एस्केरिस का इन्फेक्शन होता है, वो एग हमारे बॉडी में जाते हैं फिर वहाँ पर वे फटते हैं और फिर इन्फेक्शन फैलाते हैं। क्वेश्चन नंबर नाइन, आइडेंटिफाई द साइट वेयर वाउचेरिया ब्रोंकोक्राफ्टी इज नॉर्मली फाउंड ऑन ह्यूमन बॉडी। वह जगह बताइए जहाँ पे सामान्यतया वाउचेरिया ब्रोंकोक्राफ्टी हमारे बॉडी पे पाए जाते हैं, ह्यूमन के बॉडी पे पाए जाते हैं। तो करेक्ट ऑप्शन है ए, लिम्फेटिक वेसल्स ऑफ लोअर लिम्स। लोअर लिम्स की जो लिम्फेटिक वेसल्स होती हैं उनके अंदर जाते हैं, इन्फेक्शन करते हैं, इस वजह से ही वहाँ पर सूजन आती है और वाउचेरिया ब्रोंकोक्राफ्टी की वजह से एलिफेंटियासिस डिजीज काज होता है। क्वेश्चन नंबर टेन, मोटाइल जाइगोट ऑफ प्लाज्मोडियम अकर्स। प्लाज्मोडियम का मोटाइल जाइगोट कहाँ पे होता है? तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, गट ऑफ फीमेल एनाफिलीज। इस वजह से फीमेल एनाफिलीज के काटने पे ही आपको प्लाज्मोडियम का इन्फेक्शन होता है, नहीं तो नहीं होता, मेल के काटने से नहीं होता। और यहाँ पे बोल रहा है मोटाइल जाइगोट, 2012 में आया गया था क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 11, विडाल टेस्ट इज कैरिड आउट टू टेस्ट। किस बीमारी को टेस्ट करने के लिए विडाल टेस्ट किया जाता है? करेक्ट ऑप्शन है टाइफाइड फीवर, सभी को याद होगा। क्वेश्चन नंबर 12, कॉमन कोल्ड डिफर्स फ्रॉम न्यूमोनिया इन दैट। न्यूमोनिया और कॉमन कोल्ड में क्या अंतर है? तो न्यूमोनिया पैथोजन इन्फेक्ट्स एल्वियोली वेयर एज द कॉमन कोल्ड अफेक्ट्स नो जन रिस्पायरेटरी प्रोसेस बट नॉट द लंग्स। मीन्स न्यूमोनिया हमारे लंग्स में होता है, ठीक है, और जबकि जो कॉमन कोल्ड होता है वो हमारे लंग्स का जो रिस्पायरेटरी पैसेज है मतलब नॉस्ट्रिल वाला हिस्सा, इन सभी जगहों पे कॉमन कोल्ड का इन्फेक्शन होता है, लंग्स तक नहीं होता। क्वेश्चन नंबर 13, रीड द फॉलोइंग फोर स्टेटमेंट्स ए टू डी। इन्हें पढ़िए, ठीक है। तो ए है, कोलोस्ट्रम इज रिकमेंडेड फॉर द न्यू बॉर्न बिकॉज इट इज रिच इन एंटीजन्स। बी है, चिकनगुनिया इज कॉज्ड बाई अ ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया। सी है, टिश्यू कल्चर हैज प्रूव्ड यूजफुल इन ऑब्टेनिंग वायरस फ्री प्लांट्स। डी है, बियर इज मैन्युफैक्चर्ड बाई डिस्टिलेशन ऑफ फर्मेंटेड ग्रेप जूस।
तो पूछ रहा है कि इनमें से कितने स्टेटमेंट गलत हैं। तो ऑप्शन ए, दो स्टेटमेंट गलत हैं, ठीक है। कोलोस्टम क्या है, रिकमेंडेड होता है, ठीक है। वायरस प्लांट्स के लिए टिश्यू कल्चर का यूज नहीं होता बल्कि माइक्रो प्रोपिगेशन का यूज होता है, ठीक है। और ये बियर जो होता है तो वह फ्रेगमेंटेड ग्रेप जूस से ही बनता है, फर्मेंटेड ग्रेप जूस से। तो ए और डी सही है, बी सी जो गलत था वो गलत था। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, दो स्टेटमेंट यहाँ पे गलत हैं। क्वेश्चन नंबर 14, वेयर विल यू लुक फॉर द स्पोरोजॉइट्स ऑफ द मलेरियल पैरासाइट। अगर आपको मलेरिया पैरासाइट का स्पोरोजाइट लेना है तो आप किस जगह पे देख सकते हो। तो ऑप्शन ए सही है, सलाइवा ऑफ इन्फेक्टेड फीमेल एनाफिलीज मॉस्किटो। फीमेल एनाफिलीज मॉस्किटो के सलाइवा में प्लाज्मोडियम के स्पोरोजाइट्स पाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, विच आर वन ऑफ द फॉलोइंग इज कैटेगराइज्ड एज ए पैरासाइट इन ट्रू सेंस। सच में किस मतलब अगर सही के मतलब में सही सच सच अर्थों में हम किस चीज़ को पैरासाइट कहते हैं। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, हेड लाउस लिविंग ऑन द ह्यूमन स्कैल्प एज वेल एज लाइंग एग्स ऑन ह्यूमन हेयर। हेड लाउस जू जो ह्यूमन स्कैल्प, ठीक है, आपकी बालों में रहती है, वहीं पे अंडे देती है ह्यूमन हेयर के अंदर, ठीक है। तो उसे वही क्या है, सच मायने में पैरासाइट है इन स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग। क्वेश्चन नंबर 16, द पैथोजन माइक्रोस्पोरम रिस्पॉन्सिबल फॉर रिंग वर्म डिजीज इन ह्यूमंस बिलोंग्स टू द सेम किंगडम ऑफ ऑर्गेनिज्म एज दैट ऑफ। जो पैथोजन है होता है माइक्रोस्पोरम वह रिंग वर्म डिजीज के लिए जिम्मेदार होता है, वह किस किंगडम में बिलोंग करता है। तो जैसे कि ऑप्शन है करेक्ट सी, राइजोपस जो कि एक मॉल्ड होता है। क्वेश्चन नंबर 17, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन गिव द करेक्ट मैचिंग ऑफ अ डिजीज विथ इट्स कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म एंड मोड ऑफ इन्फेक्शन। कौन सा डिजीज है, उसका कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म किस ऑर्गेनिज्म के कारण होता है और किस तरह से इन्फेक्शन फैलता है। तो करेक्ट ऑप्शन है बी, निमोनिया, ठीक है, स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनिया के कारण होता है और इन्फेक्शन वाटर ड्रॉपलेट्स की वजह से फैलता है। क्वेश्चन नंबर 18, कॉमन कोल्ड इज नॉट क्योर्ड बाई एंटीबायोटिक्स बिकॉज इट इज। कॉमन कोल्ड एंटीबायोटिक्स से नहीं सही हो सकता क्योंकि इट इज कॉज्ड बाई अ वायरस। क्वेश्चन नंबर 19, विडाल टेस्ट इज यूज फॉर द डायग्नोसिस ऑफ। करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, टाइफाइड के डायग्नोसिस के लिए हम विडाल टेस्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, मैच द डिजीज इन कॉलम फर्स्ट विद द अप्रोप्रिएट आइटम्स पैथोजन प्रिवेंशन ट्रीटमेंट इन कॉलम सेकेंड। तो करेक्ट ऑप्शन है 4, साइफिल यूज ओरल रिहाइड्रेशन थेरेपी। तो यहाँ पे सारे डिजीज का मैच कॉलम करना है और आंसर यहाँ पे होगा, यहाँ पे हमने इस 4 में भर दिया है जबकि डी होगा, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन डी सही है कि पहले का दूसरा, दूसरे का तीसरा, तीसरे का चौथा और चौथे का पहला करेक्ट मैचिंग पेयर है। क्वेश्चन नंबर 21, द ब्लू बेबी सिंड्रोम रिजल्ट फ्रॉम। बी बेबी जो ब्लू बेबी सिंड्रोम डिजीज होता है किस कारण होता है। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, मेथेमोग्लोबिन, ठीक है, मेथेमोग्लोबिन। जब निमोनिया वाले केस में ब्लू बेबी सिंड्रोम होता है, जब ऑक्सीजन नहीं मिल पाती है तो ओंठ ये सब नीले पड़ जाते हैं और ब्लू बेबी सिंड्रोम इसे कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 22, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड। किसे सही से नहीं मिलाया गया है। तो ऑप्शन डी, एनाफिलीज उलिफेसियस लेस्मेनियासिस काउज करता है। तो ऑप्शन डी सही है यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 23, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंडीशंस डू हार्मफुल इन इटसेल्फ इज ऑल्सो अ पोटेंशियल सेवियर फ्रॉम अ मॉस्किटो बॉर्न इन्फेक्टियस डिजीज, ठीक है। कराए कि इनमें से कौन सा कंडीशन ऐसा है जो कि खुद तो हार्मफुल है लेकिन मॉस्किटो बॉर्न इन्फेक्शन डिजीज से आपको बचाता है। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, सिकल सेल एनीमिया। आप वैसे तो ये हार्मफुल है बट मॉस्किटो इन्फेक्शन डिजीज से आपकी सुरक्षा करता है। क्वेश्चन नंबर 24, सैल्मोनेला इज रिलेटेड विथ। सैल्मोनेला जिसे किससे रिलेटेड है। तो टाइफाइड काउज करने वाला जो बैक्टीरियम होता है सैल्मोनेला टाइफी। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 25, विच आर द फॉलोइंग इज मोस्ट इन्फेक्शियस डिजीज। इनमें से कौन सबसे ज़्यादा इन्फेक्शियस डिजीज होता है, खतरनाक डिजीज होता है। तो करेक्ट ऑप्शन है ए, हेपेटाइटिस बी। क्वेश्चन नंबर 26, करेक्टली मैच सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज विथ इट्स पैथोजन। उसके पैथोजन से सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज को मैच कराइए। करेक्ट ऑप्शन है ए, साइफिलिस
साइफिल्स, ट्रेपोनेमा पैलिडम। क्वेश्चन नंबर 27, बोवाइन स्पॉन्जी फॉर्म इंसेफालोपैथी, अब बोवाइन डिजीज इज रिलेटेड टू विच ह्यूमन डिजीज, किस ह्यूमन डिजीज से रिलेटेड है? तो क्रूड्स फेल्ट जैकब डिजीज। एनसीईआरटी के बाहर क्वेश्चन है बट याद कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 28, फॉर विच आर द फॉलोइंग डिजीज देयर इज प्रिवेंटिव वैक्सीन, किस डिजीज के लिए प्रिवेंटिव वैक्सीन प्रेजेंट है? तो ऑप्शन बी हेपेटाइटिस बी। क्वेश्चन नंबर 29, इट इज नॉट पॉसिबल टू अप्लाई कोच पोस्टुलेट्स टू, कोच के पोस्टुलेट को हम किस पे अप्लाई नहीं कर सकते? ऑप्शन सी है लेप्रोसी, एनसीईआरटी की बुक से ही पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 30, बॉट्यूरिज्म काज्ड बाई क्लॉस्ट्रिडियम बॉट्यूलिनम अफेक्ट्स द, कहाँ पे प्रभाव डालता है? करेक्ट ऑप्शन बी है न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। क्वेश्चन नंबर 31, टाइफॉइड फीवर इज कॉज्ड बाई, करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए सेलमोनेला टाइफी। क्वेश्चन नंबर 32, विच ऑफ द फॉलोइंग सिम्टम्स इंडिकेट रेडिएशन सिकनेस, इनमें से कौन सा लक्षण रेडिएशन सिकनेस को दर्शाता है? ऑप्शन डी अल्सरेटेड स्किन, नेवसिया, लॉस ऑफ हेयर एंड एनीमिया। क्वेश्चन नंबर 33, डिप्थीरिया इज काज्ड बाई, किसके कारण डिप्थीरिया डिजीज होती है? तो ऑप्शन ए पॉइजन्स रिलीज फ्रॉम डेड बैक्टीरियल सेल्स इन टू द होस्ट टिश्यू। क्वेश्चन नंबर 34, विच वन ऑफ द फॉलोइंग डिजीज इज नाउ कंसिडर्ड नियरली इरेडिकेटेड फ्रॉम इंडिया, प्रेजेंट समय में कौन सी डिजीज है जो कि इंडिया से पूरी तरह से खत्म हो चुकी है? तो ऑप्शन सी स्मॉल पॉक्स, तो इंडिया ही नहीं बल्कि पूरे वर्ल्ड से खत्म हो चुकी है, स्मॉल पॉक्स अब कहीं पे नहीं होती है क्योंकि इसका वैक्सीन अवेलेबल है और सभी हेल्थ सेंटर पे वैक्सीन अवेलेबल होता है और लोगों को लगता है। क्वेश्चन नंबर 35, इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ डिजीजेज बाथ आर कॉज्ड बाय वायरसेस, इनमें इन सभी डिजीज में कौन सा पेयर ऐसा है जो कि वायरस के द्वारा ही होता है? तो ऑप्शन ए है टिटनेस एंड टाइफाइड, बी है हूपिंग कफ एंड स्लीपिंग सिकनेस, सी है साइफिल्स एंड एड्स एंड डी है मिसल्स एंड रेबीज। तो करेक्ट ऑप्शन डी मिसल्स एंड रेबीज, दोनों वायरस की वजह से ही होते हैं। क्वेश्चन नंबर 36, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज नॉट करेक्टली मैच, किस पेयर को सही से नहीं मिलाया गया है? वो तो करेक्ट है ऑप्शन डी मलेरिया, प्लाज्मोडियम वाइवेक्स किया गया है जबकि प्लाज्मोडियम फाल्सीपेरम होता है। क्वेश्चन नंबर 37, विच वन ऑफ द फॉलो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज इज करेक्टली मैच विथ इट्स पैथोजन, ठीक है इनमें से किसको उनके पैथोजन से करेक्टली मैच किया गया है? ऑप्शन बी साइफिल्स ट्रेपोनेमा पैलिडम। क्वेश्चन नंबर 38, अ सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज काज्ड बाय बैक्टीरिया इज, कौन सा सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज है जो कि बैक्टीरिया के द्वारा काज होता है? साइफिल्स, तो साइफिल्स बहुत ज़्यादा पूछने जाने वाला क्वेश्चन है तो याद कर लीजिएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 39, इफ ऑल पॉन्ड्स एंड पडल्स आर डिस्टर्ब्ड द ऑर्गेनिज्म लाइकली टू बी डिस्टर्ब्ड इज, अगर सभी पॉन्ड्स और पडल्स खाली नाली छोटी छोटी नालियों को गड्ढों को भर दिया जाए खत्म कर दिया जाए कौन सा ऑर्गेनिज्म क्या होगा नष्ट हो जाएगा? तो ऑप्शन डी प्लाज्मोडियम। क्वेश्चन नंबर 40, साइजोगोंट स्टेज ऑफ प्लाज्मोडियम अकर्स इन ह्यूमन सेल्स, ह्यूमन सेल्स में कि किस सेल में साइजोगोंट स्टेज प्लाज्मोडियम का होता है? ऑप्शन सी एरिथ्रोकाइट्स एंड लीवर सेल्स। क्वेश्चन नंबर 41, गिव द करेक्ट मैचिंग ऑफ कॉजेटिव एजेंट या जर्म एंड डिजीज, कॉजेटिव एजेंट कौन है और डिजीज का क्या नाम है? करेक्ट मैचिंग बताइए, वाउचेरिया बॉनक्रॉप्टी, फाइलेरियासिस या एलिफेंटियासिस डिजीज से कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 42, द पार्ट ऑफ लाइफ साइकिल ऑफ मलेरियल पैरासाइट प्लाज्मोडियम वाइवेक्स दैट इज पास्ड इन फीमेल एनोफिलीज इज, तो ऑप्शन ए है सेक्सुअल साइकिल ही फीमेल एनोफिलीज में पास होती है, वो स्पेरोजॉइट को छोड़ते हैं फिर गैमेट उनके बॉडी में एंट्री करता है। क्वेश्चन नंबर 43, हु डिस्कवर्ड प्लाज्मोडियम इन आरबीसी ऑफ ह्यूमन बींग्स, ह्यूमन बींग्स के आरबीसी में प्लाज्मोडियम की खोज किसने की थी? करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी लेवरॉन। क्वेश्चन नंबर 44, मेलिग्नेंट टर्सियन मलेरियल पैरासाइटिस, करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए प्लाज्मोडियम फालसी पेरम। क्वेश्चन नंबर 45, अमीबियासिस इज प्रिवेंटेड बाय, अमीबियासिस को कैसे रोका जाता है? बाय ड्रिंकिंग बॉइल्ड वाटर, क्योंकि वाटर के थ्रू ही अमीबा बॉडी में एंट्री करता है और अमीबियासिस डिजीज होती है। क्वेश्चन नंबर 46, इन हॉट समर एंड कोल्ड विंटर द नंबर ऑफ मलेरिया केसेस एज वेल एज एनोफिलीज डिक्लाइंस,
रीअपरेंस ऑफ मलेरिया इन ह्यूमिड वार्म कंडीशन इज ड्यू टू, बहुत ज़्यादा गर्मी हो जो बहुत ज़्यादा ठंडी होती है तो मलेरिया के केसेस की संख्या घट जाती है, ठीक है, और साथ ही साथ एनाफिलीज भी क्या होती हैं, कम हो जाती हैं। फिर जैसे ही ह्यूमिड वार्म कंडीशन आता है तो ये रिपेयर होती हैं, फिर से बढ़ जाती हैं, इसके पीछे क्या रीज़न है? करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, सर्वाइविंग स्पोरोजाइट्स इन सर्वाइविंग मॉस्क्यूटोज, क्योंकि जब मॉस्क्यूटो सर्वाइव करेंगे तो स्पोरोजाइट्स भी उनकी बॉडी में प्रेजेंट होंगे, जब मॉस्क्यूटो ही नहीं रहेंगे तो स्पोरोजाइट्स भी कम हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 47, मलेरिया फीवर कॉन्साइड्स विथ लिबरेशन ऑफ, मलेरिया जो फीवर है वह किसके प्रोडक्शन के साथ अपना असर दिखाती है, किसके साथ शुरुआत होती है? तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, मेरोजाइट्स के लिबरेशन के साथ मलेरिया फीवर क्या होती है, कॉन्साइड करती है, साथ साथ ही होती है। 1989 में पूछा गया था क्वेश्चन। तो दोस्तों हमारा टॉपिक वन यहीं से ख़त्म हुआ और हमने इस वीडियो में 47 क्वेश्चंस भी कवर किए ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज़ के। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, अच्छा ना लगे तो डिसलाइक करें, ठीक है, अच्छा लगता है तो कमेंट ज़रूर करें, अपने दोस्तों से शेयर करें। अगर आप हमारे चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और बेल आइकन या घंटी को दबाना ना भूलें, ताकि हमारे चैनल पे लेटेस्ट वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में टॉपिक 2 इम्यूनिटी के साथ।